अगर आपके पास भी वन प्लस नोट सी 2 लाइट 5G है या फिर वन प्लस नोट सी 3 लाइट 5G है, सो इस दोनों डिवाइस में ऑक्सीजन ओएस 15 वर्जन मिलेगा या नहीं। काफी सारे मेरे सब्सक्राइबर बार बार यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि ये दोनों डिवाइस का क्या यहाँ पे चल रहा है, क्या हमें जो है न्यू अपडेट मिलने वाला है या नहीं। सो ऑक्सीजन ओएस 15 वर्जन अगर आप सोच रहे हैं इस डिवाइस में लेने के लिए, और लोकल वर्जन जो रहता है उसे अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं, सो इसी के बारे में डिटेल से इस वीडियो में बात करने वाले। सो देखो ऑक्सीजन ओएस 15 वर्जन जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो मिला है वन प्लस 12 में एंड 12R पे, वन प्लस नोट सीई 4 पे एंड वन प्लस नोट सीई 4 लाइट में, सिर्फ और सिर्फ ये 4 डिवाइस में आपको ऑक्सीजन ओएस 15 वर्जन अभी देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई और जो मॉडल है उसमें आपको बिल्कुल अभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक शेड्यूल जो है वो यहाँ पे रिलीज किया था जिसमें पूरा डिवाइस का लिस्ट यहाँ पे जारी किया था, मैं इसे आपसे शेयर भी किया था। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना, वहाँ पे डिस्कस होते रहता है। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 डिवाइस में ऑक्सीजन ओएस 15 वर्जन मिला है। यहाँ पे अगर यहाँ पे स्टेबल अपडेट का बात करें तो वन प्लस 12 एंड वन प्लस 12R इन दोनों डिवाइस में सिर्फ और सिर्फ स्टेबल अपडेट मिला है, और उसके बाद जो दोनों डिवाइस है उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ लोकल अपडेट यानी बीटा वर्जन पे ही आपको देखने को मिलेगा। सो ये सब में आपको काफी सारे चेंजेस भी देखने को मिलेगा, ये सब के ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैं दे चुका हूँ क्या क्या चेंजेस है, आप वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं। सो बात कर लेते हैं इन दोनों डिवाइस का, अगर आपके पास ये दोनों डिवाइस है तो इस डिवाइस में इन दोनों डिवाइस में अभी ऑक्सीजन ओएस 15 वर्जन देने का कोई भी अभी बात नहीं है। यहाँ पे ये समझ लो कि अभी जो है प्रोसेस पे चल रहा है, पेंडिंग पे ये सब डिवाइस है। ओके ये सब डिवाइस जितने से रहे हैं ये सब जो है पेंडिंग पे है। सो कंपनी ये सब डिवाइस में न्यू अपडेट ऑक्सीजन ओएस 15 वर्जन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। क्यों दे सकता है, देने के कारण ये हो सकता है क्योंकि ये सब डिवाइस जो है बहुत ज्यादा जो है लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका यूजेस बहुत ज्यादा है। सो इस हाल में जो है कंपनी ये दोनों ये सब डिवाइस में दे सकता है। अगर यहाँ पे बात करें नहीं देने का, तो नहीं देने का कारण ये बन सकता है कि ये जो अपडेट रहेगा ये हाइयर यहाँ पे प्रोसेसर का रहेगा, सो होना हो कि ये सब डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम आ जाए जिसके कारण नहीं भी दे सकता है। सो ये अंडर रिव्यू में है, अभी कंप्लीट कोई भी नहीं कह सकता है कि ये दोनों डिवाइस में अभी ऑक्सीजन ओएस 15 वर्जन रिलीज करने वाला है। ये सब डिवाइस में अभी ऑक्सीजन ओएस 15 वर्जन जो है 14 वर्जन जो है चल रहा है, काफी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एंड कुछ लोग तो है अभी जो है ऑक्सीजन ओएस 13 ही वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोगों का ऐसा भी कमेंट आ रहा है। सो ये सब अगर आपको इसके के ऊपर वीडियो लेना है तो ऑलरेडी वीडियो है चैनल पे, आप देख के सही कर सकते हैं कि ऑक्सीजन ओएस 13 12 अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 14 पे कैसे जा सकते हैं। सो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आप लोकल वर्जन अगर आप इंस्टॉल करने के लिए सोच रहे हैं अपने डिवाइस में वन प्लस का किसी भी सीरीज में, जैसे कि बीटा टेस्ट वर्जन आ रहा है, अल्फा वर्जन आ रहा है, सब जो प्रोडक्ट भी है, सो ये सब अगर आप अपडेट लेने के लिए सोच रहे हैं, सो देखो जो भी डिवाइस में यहाँ पे लिमिट किया गया है कि इस मंथ के अंदर ये डिवाइस पे आएगा अपडेट, इस मंथ के ये डिवाइस में अपडेट आएगा, इससे पहले या इससे बाद अगर आप अप्लाई करोगे सो आपको अप्लाई करने का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे रोल है जो यहाँ पे जो एक चार्ट मैंने आपसे शेयर किया था जहाँ पे पूरा लिस्ट जिसमें जाहिर किया गया था, सो उसके डेट के अंदर ही आपको मिलेगा। सो लोकल अपडेट अगर आप अपने फोन पे इंस्टॉल करना चाहते हैं सो वो कर सकते हैं, लेकिन जब भी यहाँ पे अपडेट आ रहा है बीटा टेस्ट वर्जन मैं आपसे शेयर करता हूँ, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना होगा। अगर आप आंख बंद करके ऐसे ही सब डिवाइस में अप्लाई कर दोगे लोकल अपडेट को लेने के लिए सो इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और हाँ, यहाँ पे कुछ और डिवाइस का जैसे कि 9 सीरीज हो गया, 10 सीरीज हो गया, 8 सीरीज हो गया, सब में जो है डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ रहा था, सो ऑक्सीजन ओएस 15 वर्जन पे अभी ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ओके सो आप जो है आपके जो वन प्लस 12 में मिल रहा है नोट सी 4 एंड 4 लाइट पे जो मिल रहा है आप बिंदास इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी इश्यूज नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, कुछ यहाँ पे लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है, डिस्प्ले का प्रॉब्लम नहीं, कुछ फंक्शन का प्रॉब्लम। ओके सो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, आपके पास वन प्लस का कौन सा डिवाइस है, कौन सा अपडेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं कमेंट करके जरूर रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए।